टीटागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में टीएमसी के उम्मीदवार पार्थो भौमिक के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन। आपको बता दें कि 17 मई की शाम बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत टीटागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में टीएमसी उम्मीदवार पार्थो भौमिक के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि बैरकपुर लोकसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार पार्थो भौमिक को भारी मतों से विजय दिलाया जाए। इस जनसभा में टीटागढ़ नगर पालिका के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, 18 नंबर वार्ड के पार्षद एडवोकेट मोहम्मद मुजीबुर रहमान, टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश वर्मा, शाह आलम अरफात खान, शेख समीम, मोहम्मद सलाहुद्दीन वगैरह ने इस जनसभा से लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ इस जनसभा में अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। सोमवार को आपका इम्तहान है और आप इम्तहान में ऐसा इम्तहान दीजिए कि पूरा दिल्ली गूंज उठे कि बैरकपुर से पार्थो भौमिक ने इस तरह जीत के आया है जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं थे। हम लोग आपके बीच में रहते हैं, हम लोग सब काम अपने वार्ड में करते हैं। आप लोगों को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड से हम लोगों का 5 लाख का जो हॉस्पिटल में हम लोग का इलाज होता है वो दीदी दे रही है, और हम लोग को कन्याश्री दे रही है, रूपश्री दे रही है। तो आप लोग सोच समझ कर अपना वोट दें, इसलिए कि ये जो वोट है हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से गुजारिश है कि जितने भी भाई लोग हैं, टीएमसी 4 नंबर बटन में हम लोग का पार्थो भौमिक कैंडिडेट है, उसको अपना वोट दें। 20 तारीख को पार्लियामेंट इलेक्शन है और इस सिलसिले में चारों तरफ जनसभा, रैली, छोटी मीटिंग है और इस तरह के काम जो लोगों को अपनी तरफ रागिब कर सके और वोट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके, ये तमाम पार्टियां अपने तौर पर कर रही हैं और हम लोग भी उसी तर्ज पर अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं ताकि हमारा कैंडिडेट पार्थो भौमिक ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर सके इस बार, और यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को आने के बाद यहाँ जो नुकसान जो होने का जो खर्चा लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यह महसूस किया जा रहा है, उससे हम लोग बचे अपने आप को बचा सकें। जो अपोजिशन पार्टी है सर, खासकर बीजेपी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर सामने आ रही है, लेकिन टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो लोग हैं वो काम गिनवाने में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? तो ये तो हकीकत है ना कि आप जब आएंगे किसी से कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए, तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे कि आपको क्यों हम दें, आप किस बुनियाद पर हमसे डिमांड करते हैं। तो आपके कुछ काम अगर हैं जो हमारे लिए आपने किया है, हमारे लोगों के लिए किया है, हमारे समाज के लिए किया है, तो जाहिर है अखलाकी ड्यूटी है हमारी कि हम उसके बदले में आपको वोट देंगे। लेकिन जब आप कुछ अगर करते नहीं हैं तो वोट लेने का अभी तो आपको अख्तियार नहीं है, इसलिए कि लोगों को इस बात का एहसास है कि बीजेपी अपने 10 साल दौर में आज तक जो कुछ भी किया है वो देश के हित में, देश के लोगों के हित में कुछ भी नहीं है, बल्कि आज यही वजह है वो कहीं भी उनके लोग जब जाते हैं और जब अपनी तकरीर रखते हैं तो वो लोगों को ये बताने से कासिर हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया है, और उस करने के ऊपर वो डिमांड कर सकते हैं, वो लोगों से कह सकते हैं कि हमने ये किया है लिहाजा आप हमको वोट दीजिए। दूसरी तरफ ममता दीदी यहाँ के लोगों के लिए, बंगाल के लिए बेशुमार फ़ायदे का काम किए, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बूढ़ों के लिए, यहाँ के औरतों के लिए, बच्चों के तालीम के लिए, तमाम लोगों के हेल्थ के लिए इतने सारे प्रोग्राम उन्होंने किया है, और उस प्रोग्राम से तमाम के तमाम लोग बाकायदा मुस्तफ़ीज हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा जब हम लोगों ने ये काम किया है, टीएमसी ने ये काम किया है, तो जाहिर बात है कि हमने किया है तो हम तो बोलेंगे ही। सर, जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की जो भाषाएं हैं वो बदल रही हैं, कहीं वो एक संप्रदाय को गाली देते नजर आ रहे हैं तो दूसरे दिन कह रहे हैं कि हमने वो गाली दी ही नहीं है, फिर तीसरे दिन वही गाली एक संप्रदाय को सामने रख, क्या कहेंगे? इस तरह की जो भाषाएं बदल रही हैं उनके की निशानी है, उनके उनके इस तौर तरीके से, उनके इस अंदाज से एक चीज़ ये बात समझ में आ रही है कि उनका दिमागी तवाजन अब सही काम नहीं कर रहा, इसलिए कि जैसे जैसे
वोट हो रहा है। चार चरण तो हो चुका है, पाँचवें चरण की तैयारी है। लिहाजा वो जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ वोटिंग हुई है वो उनके फेवर में नहीं है, और जब ये एहसास उनको हो रहा है, उनका दिमागी तवाजन बिगड़ रहा है और उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है। अब वो कल क्या कह रहे थे, आज क्या कहेंगे, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए इस तरह की बातें उनकी ज़बान से निकल रही है। मेरा तो नई पीढ़ी से ये अनुरोध है कि वो अपने आप को जो ऐसी विचारधारा है जो जिसमें मानवीय गुण नहीं आते हैं, उन विचारधाराओं से दूर हट कर के और वोट करें, और वोट उस तरीके से करें कि जो हमारे बंगाल की जो नेत्री ममता बनर्जी जी हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी खड़े हुए हैं, है ना, उनको हम मजबूत करें ताकि हमारी बंगाल की जो ये दशा है और सुदृढ़ हो। और इसमें से जो बहुत सी ऐसी विचारधाराएं आ रही हैं जिनमें नफरत और दूर तरीके की बातें सुनने में आती हैं, उन बातों से हम हट करके आपस में इस बंगाल को एक मोहब्बत का के विचारधारा से सजा करके एक ऐसा बागान बनाए जो एक हिंदुस्तान में नाम हो कि हाँ, बंगाल एक ऐसा जगह है हिंदुस्तान में जो वास्तव में एक संपूर्ण भारत है।